इस यज्ञ वेदी से उठी तो ये यज्ञ भंग हो जाएगा पार्वती। नायक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र रक्षण यज्ञ भंग नहीं हो सकता। कुछ करिए प्रभु, इस अनिष्ट को होने से रोकिए। यदि विनायक को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। माता स्वयं पर से वश खो देंगे। कुछ कीजिए। मैं विवश हूं नंदी। महादेव का त्रिशूल साक्षात काल है और काल को कोई नहीं रोक सकता। जीवित रहते हुए आपका वच भंग नहीं होने दिया माँ। Thank you.
पार्वती। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ज्येष्ठ। विनायक मेरा पुत्र है, मेरा सृजन, और मैं इसे भली भांति जानती हूं। ये भी उतना ही नटखट है जितने कि आप, और मामा और भांजा मिलकर मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खेल है ना ये आप दोनों का? मैं तुम्हारे अभिनय में फंसने वाली नहीं हूं विनायक, यूं भास नहीं करते। भोजन का समय हो गया है, उठो। मैंने कहा उठो, माता के साथ उपहास नहीं करते विनायक, उठो। पार्वती आप तो मौन ही रहिए जी, आप ही ने सिखाया है ना इसे ये सब। पहले क्या वो कम नटखट था तो अब यू आप भी इसके साथ मिल लिए। पर देखिए मैं भी माता हूं इसकी, ऐसे झट से इसका स्वांग भंग करती हूं। देखिए मोदक, भाते है ना तुम्हें मोदक? बहुत मोदक बनाए हैं मैंने भोजन में, भूख लग गई ना? चलो उठो भोजन कर लो। बहुत हुआ स्वांग विनायक, मैंने कहा उठो। आप आ गए महादेव। अब समझ में आया यहाँ क्या चल रहा है जी। महादेव जब गए थे तो मैंने उन्हें व्यथित करके भेजा था ना जी, और अब वो लौट आए हैं। तो पिता पुत्र और मामा मिलकर मेरे साथ खेल प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु अपने पुत्र को ही वो दंडता सिखाना उचित नहीं है देव। मैं कहती हूँ आप समझाइए इसे कि मुझे यूं ना सताए, डांटिए इसे कि बंद कर रही है स्वांग। विनायक मैं कहती हूं बहुत हुआ, बंद करो ये स्वांग। यदि तुम अब नहीं उठे ना तो तुम्हारी माता तुम्हें। पार्वती विनायक अब दिया था मुझे, उसने कहा था मुझसे कि मुझे छोड़कर नहीं नहीं जाएगा। सत्य है, No.
ने एक प्रतिमा बनाई, उसे प्रेत से पुकारा तो वो जीवित उठा, जब शरीर नहीं था तो जीवित हो गया। माँ 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 माँ, परंतु अब जब मैं इसे पुकारती हूँ तो ये क्यों नहीं उठता जेज? पहले भी दो बार माता बनी हूं मैं, परंतु कभी अपने पुत्र को पालने का सुख नहीं भोगा। मैं बता नहीं सकती आपको महादेव, इस बालक को आलिंगन देकर कितना संतोष प्राप्त हुआ मुझे। इसे जब अपनी गोद में सुलाया तो कितना आनंद मिला था मुझे। हरे से मोदक खिलाकर तो मेरा मन मुदित हो जाता था। भाभी, मैंने आपसे पहले भी पूछा है और आज भी पूछती हूँ, दुख की कसौटी पर सदा मेरी ममता की परीक्षा क्यों ली जाती है? पहले मेरा कार्तिक है, फिर अंधक और अब मेरा विनायक। कभी किसी के प्रतिकार के लिए, कभी संसार के परमार्थ के लिए, और कभी किसी को दिया वचन निभाने के लिए सदा मेरी गोद पे ही दाव क्यों लगाया जाता है भाभी जी?